पंजीय अपने मन से कहता है, अरे मन एक अनोखी बात सुन। अनोखी माने जो बात कॉमन न हो। दो प्रकार की बातें होती हैं, एक बात तो वो जनरल होती है, सबकी समझ में आ जाती है, उसको सुनकर किसी को आश्चर्य नहीं होता, और एक ऐसी बात भी होती है जो साधारण मनुष्य की बुद्धि में ना आवे, उसे सुनकर आश्चर्य हो। तो यह बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये साधारण मस्तिष्क में आश्चर्य पैदा करने वाली बात है। पहला आश्चर्य तो यही कि लेखक मन से कहता है, अरे मन सुन, मन सुन। मन का वर्क चिंतन करना, सुनना तो कान का काम, और मन से कहता है सुन। ऐसे कान से कोई कहे देख, आंख से कोई कहे सूंघ, आश्चर्य है ना। मन से सुनने को क्यों कहा जा रहा है? सीधी सी बात है कि ये पांचों विषय, देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना, ये पांचों इंद्रियों के विषय मन ही ग्रहण करता है, इंद्रिया नहीं। इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के केरा मन ग्रहण करता है। अतएव मन ही देखता है, मन ही सुनता है, मन ही सूंघता है, मन ही रस लेता है, मन ही स्पर्श करता है, ऐसा शास्त्रवेद भी कहता है, प्लस हम लोगों का एक्सपीरियंस भी कहता है। अपने अनुभव से सोचिए, अगर आपका मन और कहीं है तो कान है लेकिन आप नहीं सुनते। यहीं पर अगर किसी को नींद आने लग जाए तो कान तो अच्छे खासे हैं, कहाँ सुन रहे हैं? तो इंद्रियां माध्यम है, किंतु इंद्रियां स्वयं अनुभव करता नहीं, अनुभव करता केवल मन हुआ करता है। इसीलिए शास्त्र वेद में मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन को बताया गया। केवल मन, मन भी नहीं, मन ही। मन एव शब्द है, एव माने ही। और फिर सपने में आप लोग देखते ही हैं, ये भी आपका एक्सपीरियंस। सपने में आप देखते हैं, हाँ, सुनते हैं, हाँ, सूंघते हैं, हाँ, रस लेते हैं, हाँ, स्पर्श करते हैं, हाँ। क्या इंद्रियों का माध्यम होता है उस समय? ना, इंद्रियों से कोई मतलब नहीं। मन में आंख है, मन में कान है, मन में नाक है, मन में रसना है, मन में त्वचा है, इसलिए इंद्रियों के बिना भी मन सारे विषय ग्रहण करता है, बिना माध्यम के भी, और इंद्रियों के माध्यम से भी करता है जागृत अवस्था में। तो इस प्रकार हमारा अनुभव भी यही कहता है कि मन ही सुनता है, मन ही सूंघता है, मन ही प्रत्येक वर्ग का वर्कर है। इसलिए यहां पर कहा गया, सुनो मन। कान को तो अनंत बार सुनाया हमने, काम नहीं बना, अब मन को सुना रहे हैं, सुनो मन। जैसे रसना से हमने अनंत बार भगवान का नाम लिया, काम नहीं बना, पैर से अनंत जन्म में अनंत बार चारों धाम की मार्चिंग की, काम नहीं बना, आंखों से अनंत बार संत और भगवान को देखा, काम नहीं बना। मन अगर इन सब विषयों को ग्रहण करता तो काम बनता। मन को माइनस करके हमने इंद्रियों के द्वारा स्पिरिचुअल उपासना की, सब एक्टिंग लिखा गया, सब फिजिकल ड्रिल लिखा गया, उपासना लिखी ही नहीं गई ईश्वर के। ये सब इंद्रियों का वर्क वर्क नहीं कहलाता, इसको एक्टिंग कहते हैं। जो प्रयास, विनोद, कली अप्रैल का फूल जैसे होता है, होली का मजाक जैसे होता है,
ऐसे ये मजाक है जो हम लोग भगवान का नाम लेते हैं या भगवान की कथा सुनते हैं या भगवान के मंदिरों में चक्कर लगाते हैं, ये सब मजाक है। ये फैक्ट तब हो जब मन देखे, मन सुने, मन चले, मन करे। इसलिए सिद्ध हुआ कि श्रोता मन ही हुआ करता है। जब तक हमारा मन न सुनेगा तब तक लाख भगवान और संत सुनाया करें, हम सभा में बैठे रहेंगे, सिर झूमता रहेगा। कुछ समझे? ऐसे भी हमने लोग देखे हैं, हमारा बड़ा एक्सपीरियंस है। 100 बार जिस बात को मैंने लोगों को समझाया है, 100 बार वे लोग आकर वही प्रश्न करते हैं, महाराज जी ऐसा कैसे, क्यों, अभी तो कल तो बताया था। हाँ महाराज जी, ना बुद्धि बड़ी मोटी है। मोटी इसमें मोटी पतली से क्या मतलब है? अभी कल ही समझाया तुमको, क्या सुनते हो? मन और कहीं है। एक स्त्री आई, एक पुरुष आया, श्रोता जी देख रहे हैं उसको। क्या देख रहे हो? कभी देखा नहीं स्त्री पुरुष? क्या कमाल है उसमें, सिर में सींग है, क्या है, क्या आश्चर्य है उसको देख रहे हो? अजी ऐसा है कि हम तो लापरवाह लोग हैं, ऐसे आ जाते हैं, अपना ठीक है, कुछ कृपा हो जाए तो अच्छा है, और क्या हमें कुछ करना धरना थोड़ी है। इतने केयरलेस। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मन तू सुन, कान तो बहुत सुन चुके, मन सुने तब मन माने, तब मन उपासना प्रारंभ करे तो हमारा काम बने। कान के सुनने से काम क्या बने? हमारे देश में यहां तक मूर्खता है। अरे भाई, कान में शब्द पड़ेंगे, कान पवित्र होंगे, कान पवित्र होंगे, कान को पवित्र करने के लिए कान धोने की दवा आती है, छोड़ लो, साफ कर लो। कान पवित्र क्या होता? पवित्र अंतःकरण को होना है, कान को पवित्र नहीं करना, नाक को पवित्र नहीं करना। तुम्हारी गंदगी जो है वो अंतःकरण में है, उसकी शुद्धि करना है। कान आंख नाक से काम नहीं चले। एक बार बिलासपुर एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहां एक सम्मेलन हुआ, तमाम महात्मा लोग आए। तो कुछ लड़कों ने, लड़के थे कुछ कॉलेज के, उन लोगों ने मिल करके एक नाटक किया, एक प्रश्न बनाया और बना कर गए महात्माओं के पास और कहा साहब इसका समाधान कीजिए। सारे महात्मा समाधान नहीं कर सके बेचारे बच्चों का, और ये कहा है तो नास्तिक लोग हैं, नास्तिकों से हम बात नहीं करते। तो आए के डोके थे, उन्होंने हमको बुलाया, हम नागपुर में थे, रविशंकर उस समय जीवित थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं घर पर ठहरे थे। मेरे पास आदमी गया, सनातन धर्म की नाक कट रही है, आप चलिए। क्या नाक कट रही है, क्या हो रहा है? वो कुछ प्रश्न रख दिया है नास्तिकों ने, उसका समाधान नहीं हो रहा है, बड़ी बदनामी हो रही है, और प्रश्न मुझे नहीं बताया, आना पड़ा मुझे। आया, देखा 12-13 महात्मा थे, वक्ता लोग, पब्लिक भी 15-20 हजार थी। हमने कहा मुझे क्यों बुलाया बताओ तो भाई, क्या बात है? तो मेरे सामने वो प्रश्न रखा गया, ऐसा प्रश्न है कि गंगा जी में डुबकी लगाने से सब पाप धुल जाता है। गंगा जी में डुबकी लगाने से सर्व पाप निर्मुक्तो विष्णु के महीयते, शास्त्र कहता है सारे पाप धुल जाते हैं, 1/4, 1/8 में। और गंगा जी में नास्तिक लोग कहते हैं हम तो 50 बार नहाए हैं, हमारे पाप तो नहीं धुले, हमारे आइडियाज गंदे हैं अभी। तो वे आपके साथ झूठे हैं कि सच्चे? आग को कोई जान कर छुए या अनजाने में छुए, चाहे कोई आग अचानक लग जाए किसी के कपड़े में और जल जाए वो स्त्री, और अगर कोई 16 श्रृंगार करके पति के मरने पर चिता में बैठती है उसको भी आग जला देगी, आग ये नहीं देखती सती होने आई है कि एक्सीडेंटल मामला है क्या है, आग अपना काम करेगी। उसी प्रकार गंगा जी में कोई गंगा जी की भावना करे न करे, कोई मोहम्मदन नहा रहा है, कोई नास्तिक नहा रहा है, गंगा जी को पाप धोना चाहिए।
फिर गंगा जी ने 100 बार नहाए, चारों धाम की मार्चिंग भी 100 बार किया, सब तीर्थों में भी गए और वहीं के वहीं खड़े हैं। ये क्या नाटक? कोई जहर जान कर पिए या अनजाने में पी ले मरेगा। फिर गंगा जी आदि का जो फल शास्त्रों में लिखा है क्यों नहीं मिलता, एक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है, खामखा गाली दे रहे हो प्रश्न करने वालों को। अरे ये प्रश्न तो सबकी खोपड़ी में रहता है, वो चोरी चोरी रखते हैं लोग, उसको कहते नहीं है, कहीं कहेंगे तो लोग नास्तिक कहेंगे हमको, लेकिन ये खोपड़ी में सवाल तो है कि भाई हम सब कुछ करते हैं लेकिन क्या बात है, गड़बड़ में पड़े हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रही कुछ। अरे भाई ना 10% पाप नष्ट हो, 20% 40% कुछ तो हो, वही 0% खड़े हैं वही। कोई मैंने कहा और कुछ प्रश्न है? यही प्रश्न है। कहा वाह, इस प्रश्न के लिए हमको बुलाया गया है नागपुर। तो हमने कहा प्रश्नकर्ता लोग कहाँ है, कृपया आके मंच पर बैठ जाए, मैं उत्तर देने बैठ रहा हूं, मैं तब तक बोलूंगा जब तक वे न कह देंगे कि मेरे समझ में आ गया। 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन मैं बहुत बोलता हूं, 18 घंटे 20 घंटे लगातार बोलता हूं, मैं थकता उकता नहीं बोलने। वो आके बैठ गए, मैं कुल मुश्किल से 5-6 मिनट बोला, एक मामूली सी बात कही। मैंने कहा कि एक शीशी लो, शीशी कांच की शीशी, उसमें पेशाब भर दो, गंदी चीज पेशाब, और पैक कर दो शीशी, और पैक करके गंगा जी में छोड़ दो, घंटे 2 घंटे दिन 2 दिन फिर गंगा जी से निकाल लो शीशी को, पैकिंग खोल दो, आचमन करेगा कोई नहीं। क्यों? गंगा जी में वो गंदी चीज मिली नहीं है, हजारों गंदे नाले बह के जाते हैं गंगा जी में, जब गंगा जी में वो मिल जाते हैं सब लोग आचमन करते हैं। लेकिन ये तो शीशी के अंदर बंद है गंदी चीज, इसके ऊपर शीशी का आवरण है, गंगा जी में डूबे नहीं, ये तो ये गंदगी का पानी अलग है, गंगा जी का पानी अलग है, शीशी आपने डुबोया और फिर पैकिंग खोल दिया तो गंगा जी का वो संबंध ही नहीं हुआ उससे, वो कैसे शुद्ध होगा, उसका आचमन नहीं लेंगे। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये पाप पुण्य अच्छाई बुराई कहाँ रहती, नाक में, आंख में, कान में, खोपड़ी में, पैर में, कहाँ रहती? कहाँ रहती? अंतःकरण में रहती, मन में रहती, माइंड कहो मन कहो। मन कोई चीज है, कोई स्थूल पदार्थ है क्या? नहीं, सूक्ष्म है, सूक्ष्म होता है मन, वो कोई ऐसा पार्ट नहीं उसको साफ कर दिया जाए, धो दिया जाए किसी चीज से, साबुन वगैरह। हाँ, तो उस मन में ये पाप पुण्य रहा करता है जहां से आइडियाज पैदा होते हैं, ऐसी मशीन का नाम मन, अंतःकरण। तो एक बात बताओ कि गंगा जी में तुम्हारा मन डूबा कि शरीर डूबा? गंगा जी में शरीर डूबा, मन बाहर है, वो नाव जा रही है, वो लड़की नहा रही है, वो हमारा पर्स रखा है जो पंडे के पास कहीं वो पार न कर दे, इत्यादि बातों में आपका मन है ना। हाँ, मन बाहर चक्कर काट रहा है, ठंड भी लग रही है और डुबकी लगा रहा है। तो गंगा नाम की स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी में, ध्यान दीजिए प्रत्येक शब्द पर, गंगा नाम की स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी में क्या तुम्हारा मन डूबा, टच किया मन ने उसको? तुम कहते हो आग अगर लग जाए किसी आदमी को तो जला देगी, ठीक है, लेकिन अगर कोई लोहे का कवच पहने हो या पाउडर आते हैं ऐसे वो लगा लीजिए फिर आग में बैठ जाइए, नहीं जलिएगा। तो अगर कोई कवच है आपके ऊपर फिर आग में बैठते हैं तो क्या आग जला देगी? नहीं। तो उसी प्रकार अंतःकरण में पाप पुण्य है, अंतःकरण से विचार पैदा होते हैं अच्छे बुरे, और अंतःकरण का टच नहीं हुआ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी में, गंगा जी हो या कोई हो, शंकर हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, भगवान हो, कोई हो, उस पर्सनैलिटी में मन का अटैचमेंट नहीं हुआ, मन तो बाहर घूम रहा है, और आप शुद्धि चाहते हैं मन की और टच कर रहे हैं शरीर का, शुद्धि कैसे होगी?
अगर तुम्हारा मन भगवान को छू ले, गंगा जी को छू ले, किसी भाव से छू ले, बाप मान के, बेटा मान के, दुश्मन मान के छू ले, कंस ने दुश्मनी किया श्री कृष्ण से, लेकिन मन से किया, मन छू गया, तो लोहे में पारस चाहे प्यार से छुआ दो, चलड़ा दो, छूना चाहिए तो सोना बन जाएगा, और अगर छुएगा नहीं तो फिर पारस का क्या दोष, डिबिया में लोहा बंद, डिबिया में पारस बंद, दोनों को छुआ रहे हो, तो वो दोनों तो आपस में छुए नहीं। ये गंगा जी का पानी, ये गंगा जी नहीं है, ये तो गंगा जी का पानी है जो बहता है, जिसको आप लोग नहाते हैं। गंगा जी तो एक स्पिरिचुअल पावर का नाम है, उसको भी आप नहीं जानते, और जिस मन को डुबोना है उसको भी आप नहीं जानते। तो गंगा के मटीरियल पानी में मटीरियल बॉडी आप डुबोते हैं और लाभ चाहते हैं स्पिरिचुअल, ये कैसे होगा? कुल 6 मिनट में, हाँ समझ गए समझ गए। यानी हमें अभी यह भी नहीं पता है कि उपासना किसको करना है। मैंने सैकड़ों बार यहां समझाया है इसी जगह से पिछली बार, कि ये पहला पाठ है, इसको याद कर लो, कि वर्कर केवल मन है, इंद्रियां नहीं। इंद्रियों का वर्क ईश्वरीय राज्य में लिखा ही नहीं जाएगा। तुमने कितना जप किया, कितना पाठ किया, कितनी तीर्थ यात्रा की, कुछ लिखा ही नहीं जाएगा ईश्वर के। और हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन अब तो दुनियावी गवर्नमेंट अंतर्जामी नहीं है, गवाही वाही की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहां भी कानून में ये शर्त है कि अगर उसकी मंशा है तब दफा लागू होगी उसके ऊपर। चोरी की मंशा है कि नहीं, इसको इसने खून किया है, खून करने की मंशा से खून किया है, एक्सीडेंट हुआ है, अरे कार से दब गया इसकी, मर गया, कार से दब गया मर गया, इसके साथ फांसी नहीं होगी। ये किस पोजीशन में कार से दबा है? अरे कोई आदमी कार के सामने अच्छी स्पीड में जा रही हो, गाड़ी आकर खड़ा हो जाए सामने, वो मर जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। मंशा साबित हो तब दंड मिलता है दुनियावी गवर्नमेंट में भी, वरना हजारों कत्ल के केस हाई कोर्ट से छूट जाया करते हैं केवल एक पॉइंट पर, कि इस गवाह के बयान से इसकी मंशा साबित नहीं होती, डाउट है, और डाउट का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है। तो फिर संसार में कुछ भी हो इससे हमसे मतलब नहीं, हमारा सब्जेक्ट नहीं। ईश्वरीय गवर्नमेंट में केवल मन ही कर्ता माना गया है, उपासना करने वाला मन, प्यार करने वाला मन, दुश्मनी करने वाला मन, विरक्त होगा तो मन, जो भी वर्क करेगा मन, अगर मन नहीं कर रहा है तो लिखे नहीं जाएगा। आप तमाम पोथा बनाए रहिए अपने कर्म का, हमने ये कर्म किया, वो कर्म किया, कुछ नहीं लिखा गया, कोई फल नहीं मिलेगा, सब एक्टिंग। ठीक, तो कर्ता मन है, मन ही सुनता है, मन ही प्रत्येक वर्ग का वर्कर है। अब अनोखी बात क्या है जी, जो आप कहने जा रहे हैं, सुनो मन एक अनोखी बात। वो अनोखी बात क्या है? अब अनोखी बात सुनिए, हमारे संसार में घोर मूर्ख और घोर विद्वान स्पिरिचुअल मैन, वहां तक हर जगह एक आवाज सुनाई पड़ती है, क्या? काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, द्वेष छोड़ो, छोड़ो, यानी इन बुराइयों को छोड़ो। एक कम्युनिस्ट सरकार से लेकर के और वेद तक सब जगह यही एक वाक्य सुनने को मिलेगा आपको, बुराइयां छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और सारे बुराइयों की जड़ 4 है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन 4ों से सारी बुराइयां पैदा होती, जितना करप्शन है इन्हीं 4 के अंदर में। इन 4ों को छोड़ दो, बस सब ठीक हो जाए, किसी गवर्नमेंट को आवश्यकता नहीं, हर जीव आनंदमय हो जाए, शांत हो जाए। ऐसा वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, और संसारी गधे भी कहते हैं, घोर मूर्ख भी कहते हैं, सब कहते हैं, ए गुस्सा बुरी बात, ए लोभ करना बुरी बात, झूठ बोलना बुरी बात, छोटे बच्चे को भी सिखाते हैं और स्वयं भले ही करते हो, लेकिन ये याद सबको है। कृपाठ कृपालु कहता है सब गलत, काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ो,
एक कहने गलत, नशे में जो ऐसा बोलता है। हमारे देश में तो यहां तक है, कुछ बाबा लोग हमारे यहां ऐसे भी हैं अभी जिन मठाधारी हैं, बड़े बड़े उनके मठ है, तो अपने चेलों से साइन कराते हैं, लिखो हमने काम छोड़ा, लिखो हमने क्रोध छोड़ा, लिखो साइन करो हमने लोभ छोड़ा, और वो साइन भी कर जाते हैं चेले जी महाराज। छूटा छूटा उठा क्या पत्थर छूटेगा, तो ये साइन क्यों कराया जा रहा है? गुरु जी का दिमाग खराब है, चेले का भी खराब है, और क्या। जहां बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र फेल हो गए, वहां साइन करने से ये छोड़ा लेंगे उसका काम, तो लो मोह। ये तो ठीक है, लेकिन काम को तो लोग मोह को छोड़ना चाहिए। आप कहते हैं ये वाक्य ही बोलना गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। तो काम को तो लोग मोह क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? आपका पक्ष है कि नहीं छोड़ना चाहिए? आप सिद्ध कीजिए अपने पक्ष को। आप वेद शास्त्र के खिलाफ बोल रहे हैं, संसार वालों के खिलाफ बोल रहे हैं, सब कहते हैं इसको छोड़ो, आप कहते हैं मत छोड़ो। क्यों मत छोड़ो? इसलिए कि छूटेंगे नहीं, ये छूट नहीं सकते, ये जा नहीं सकते। क्यों? अब साइन समझिए, लोभ क्यों पैदा होता है, क्रोध क्यों पैदा होता है, इन सब का रीजन समझो, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ ये तो नहीं छूट सकता, इम्पॉसिबल। अगर कोई पॉसिबल हो, संभव हो, और मुश्किल से संभव हो, तो भी कोई बात नहीं, असंभव। हाँ तो लोभ कैसे पैदा होता है? किसी कामना की पूर्ति से लोभ पैदा होता है। कोई भी इच्छा पूरी हो गई कि लोभ तुरंत पैदा, जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, इच्छा पूर्ति हुई कि लोभ हुआ तुरंत, और इच्छा पूर्ति न हुई अगर तो क्रोध आए, और दो में एक तो होगा, या तो इच्छा पूरी होगी आपकी, कोई इच्छा हो, स्त्री पति बाप बेटा रसगुल्ला किसी की इच्छा हो, इच्छा पूरी हुई लोभ आया, इच्छा पूरी नहीं हुई क्रोध आया, आप दोनों ओर से पिस गए, फिर क्या करें? इच्छा न करो, यानी काम छोड़ दो। काम माने इच्छा, पांच प्रकार का काम होता है, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, इन्हीं पांचों इच्छाओं का नाम संस्कृत में काम कहा गया। ये पांच प्रकार की इच्छाओं को छोड़ दो, तो उनके पूर्ण होने पर लोभ की बीमारी ना आवे, उनके अपूर्ण होने पर क्रोध की बीमारी ना आवे, तो शांत बैठे रहो। क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने इससे कहा ऐसा करो, इसने नहीं किया, तो तुमने इच्छा बनाई, तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, इसलिए क्रोध आया। हाँ तुम इच्छा मत बनाओ, तो लोभ भी चला जाए, क्रोध भी चला जाए, उसके लाइन काट दो। लेकिन इच्छा न बनावे ये कैसे हो? आपने और सब दोषों को तो कह दिया कि मत छोड़ो, इच्छा को छोड़ दो, एक तो आपने भी कहा कामना छोड़ दो, बाकी सब छूट जाएंगे अपने आप नेचुरल ना। कामना छोड़ो ये भी कहना गलत। अब ये पता लगाओ कामना कैसे पैदा हुआ करती है, कामना का रीजन क्या है। सबकी अलग अलग कामना है। हाँ दिन में हजारों कामनाएं बनती हैं आप लोगों के। हाँ सबकी अलग अलग बनती हैं। हाँ आश्चर्य है, सब आदमी है और सब यही एक ही घर में रहते हैं। हाँ एक घर में रहने वाले एक फैमिली के मेंबरों की भी सबकी अलग अलग कामना है। ये कामनाएं सबकी अलग अलग क्यों होती हैं? तो किसी भी कामना का रीजन एक, क्या? जिस व्यक्ति की जिस वस्तु में आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, उस व्यक्ति को उसी की कामना पैदा होती है। एक को शराब की कामना, एक को सिगरेट की कामना, एक को टी की कामना, एक को सोने की कामना, एक को बोलने की कामना, सबके अलग अलग कामना है।
इतवार को छुट्टी होती है तो उस समय सबकी कामनाएं आउट हो जाती हैं। आज तो भाई छुट्टी है, जो आलसी अपाहिज है वो कहते हैं आज तो यार 10 बजे तक सोएंगे, नाश्ता करेंगे 12 बजे, खाना खाएंगे शाम को 4 बजे। और कोई अपना और व्यसन वाला है, अरे यार आज तो पिकनिक होगी, आज यार पिक्चर देखेंगे। यानी जिसका जिसमें अटैचमेंट है इतवार को आउट हो जाता है। तो जिसका जिसमें अटैचमेंट है उसी की कामना पैदा होती है। दूसरा देख के हंसता है, आप क्यों परेशान है, अजी ओ चाय नहीं मिली आज। अरे चाय कोई खाने की चीज है यार, तुम भी आराम से बैठो ना। हमारा बेटा, उसका बेटा आवे ना ना, जिसमें हमारा अटैचमेंट है उसकी कामना। हमारा बेटा, हमारा बाप, जहां हमारा प्यार है बस उसी की कामना होती है। वो चाहे मटीरियल मैटर हो, चाहे स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हो, कोई मनुष्य हो। तो रीजन मालूम पड़ गया। हाँ, हमारी आसक्ति जहां होती है उसी की कामना पैदा होती है, और उसी कामना की पूर्ति में लोभ और कामना की आपूर्ति में क्रोध होता है। तो आसक्ति न करें कहीं तो बात बन जाए। यदि कहीं अटैचमेंट ना हो तो कोई बीमारी पास ना आवे अपने। देखो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा होता है, हाँ, अटैचमेंट माँ में है ना, बाप में है ना, भाई बहन में ना, रसगुल्ले वगैरह में ना। उसके सामने से माँ भी आई चली गई, बाप भी आया चला गया, पड़ोसी भी आया चला गया, रसगुल्ला भी आया वो भी ले गए, लोग सब देख रहा है जी, कहीं परेशान नहीं हुआ ना। और जब अटैचमेंट हो गया, कुछ बड़ा हो गया, ये मेरी मम्मी है, तो फिर दूसरे की गोद में जाने को तैयार नहीं, अपनी मम्मी की गोद में जाएंगे। अरे मनुष्य की बात कौन करे, एक कुत्ते बिल्ली गधों को देख लो, पशुओं को देख लो, 1 लाख गायें हो और बछड़ा अपनी मम्मी को ढूंढ लेगा, वहीं जाकर के उसके स्तन में मुंह लगा देगा, और वो गाय अपने बछड़े को चाटेगी, प्यार करेगी, दुलार करेगी, 1000 बच्चे उसके सामने खड़ा कर दो, वो देखेगी नहीं उसको। पशुओं में इतनी अकल है, मनुष्य की कौन कहे। तो जिसका जहां अटैचमेंट है उसी की कामना पैदा होती है। तो यदि कहीं अटैचमेंट ना हो तो बड़े आराम से बैठे रहे हैं। ये क्या बात, क्यों रो रहे हैं इधर पड़ोस में लोग। वो लड़का एक, उसका जवान अभी IAS पास करके आया था, मर गया। अच्छा अच्छा, राम राम राम। कोई दुख हुआ ना। इधर क्या है भाई, बड़ा ढोलोल बज रहा है आज, बड़े बाजे गाजे के साथ लड़का हुआ है उनको बुढ़ापे में, बड़ी खुशी मना रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, उधर हो रहा है, इधर मर रहा है, अपने न्यूट्रल, अपना क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ। देखो दोनों में अटैचमेंट नहीं है, आराम से। लेकिन उसके बाद खबर आई, तुम्हारा बेटा स्कूल गया था ना, एक्सीडेंट हो गया, मरा वरा नहीं है, वो चला आ रहा है अपने पैर से, सर अभी चोट लग गई थी, एक्सीडेंट शब्द आया, वाह, कहा क्या क्या हुआ, कहा तुमने कहा देखा, मैंने कहा देखा, मैंने नीचे देखा, नीचे, अरे खैरी घबराई नहीं, आ रहा है ऊपर को अपने पैर से आ रहा। अच्छा चलो खैरी है तो। अरे एक्सीडेंट मारे मर गया, एक्सीडेंट मारे हाथ पैर टूट गया, तभी हो सकता है। देखो आप जहां अटैचमेंट है उसके लिए आप परेशान हुए, जहां अटैचमेंट नहीं है उसकी कामनी नहीं पैदा होगी, परेशानी कहां से आएगी। तो यदि कहीं आसक्ति ना हो तो सब बीमारी चली जाए, ये रीजन मिला ना, ये भी गलत। क्योंकि आसक्ति तो हो चुकी है, अगर हमारी कहीं आसक्ति ना होती और कृपालु साहब आके लेक्चर देते तो ठीक है, कहीं आसक्ति करते ही ना, आराम से रहते। लेकिन हमारी आसक्ति तो हो चुकी है, अब क्या करें, उसका इलाज बताओ। आसक्ति कहीं ना हो, हम न्यूट्रल हो, हमारा मन उदासीन हो, तब तो ये दवा आपकी काम कर जाएगी। लेकिन हमारा मन तो अटैच्ड है, अनंत जन्मों से, एक जन्म की पहेली नहीं है। इसलिए पता लगाना पड़ेगा आसक्ति क्यों होती है कहीं पर, किसी की कहीं आसक्ति, किसी की कहीं आसक्ति, अलग अलग स्थान में आसक्ति होती सब, उसका रीजन क्या। गीता कहती है जायतो उपशीनान पुंसत्संगस्तेषु उपजायते, जिस सब्जेक्ट में, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में,
बार बार सुख का चिंतन करोगे उसी में अटैचमेंट हो जाएगा, रिवीजन से अटैचमेंट, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, ये हमारा है, ये हमारा है, बार बार चिंतन करने से अटैचमेंट हो जाता है, बार बार चिंतन करने से। बहुत बड़ी शक्ति है चिंतन में, भगवत प्राप्ति चिंतन, नरक चिंतन से, स्वर्ग चिंतन से, सब चीज चिंतन से मिलती, केवल मन के चिंतन से, इतनी बड़ी पावर। तो बार बार सुख का चिंतन हम जिस पदार्थ में करते हैं, बार बार, कोई व्यक्ति पैदा होते ही शराबी नहीं हो जाता, गंजेड़ी भंगेड़ी या सिगरेट टी किसी का शौकीन नहीं हो जाता, पहले तो जबरदस्ती सिगरेट पीता है, खांसी भी आती है, बदबू भी आती है, लेकिन एक बार दो बार दस बार इसलिए पीता है, साथ कहेंगे लोग, एक हाथ पैंट की जेब में पी करके ऊपर को धुआं उड़ाता है वो बच्चा प्लेटफॉर्म के ऊपर या कहीं पार्क में, अल्ले लोगों की ओर देखता है अकड़ करके, तो लोग समझे ये बड़ा आदमी है, कोई बहुत काबिल आदमी है, ऊंची फैमिली है, एडवांस है, इत्यादि डिग्रियों को पाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन जब ये करते 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 हफ्ते हफ्ते पिया तो तीन तीन दिन में, फिर डेली, फिर दिन में तीन तीन बार, अब जब वो प्रैक्टिस में आ गया तो उसमें आसक्ति हो गई, जड़ वस्तु देखो इतनी आसक्ति हो गई, तो कोई वर्क करे, माँ से प्यार कर रहा है, बेटे से प्यार कर रहा है, बीबी से प्यार कर रहा है, भगवान की उपासना कर रहा है, कुछ कर रहा है, एक सिगरेट मिल जाती तो फिर दिमाग ताजा हो जाता, वासी हो गया बिना सिगरेट के दिमाग है इसका, ईश्वर की उपासना में मन नहीं लग रहा है, बीवी बच्चों से प्यार करने में मन नहीं लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है एक सिगरेट के बिना, वो एक बार आ जाए बस, फिर उसके बाद अपना वर्क चले, चाहे ऑफिस का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे कोई हो। तो देखो बार बार रिविजन से उसके मन का अटैचमेंट सिगरेट में हुआ, उस वस्तु में हुआ। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु में बार बार सुख का चिंतन न करे तो सारी बीमारी चली जाए। अब आप यहां पहुंच गए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु में बार बार सुख का चिंतन ही न करे, संसार में कहीं सुख ही नहीं, क्यों चिंतन करे, दिमाग खराब है, ये चूने का पानी है, इसमें मक्खन नहीं है, अजी दूध हमने देखा था वो भी सफेद सफेद था, और ये चूने का पानी भी सफेद सफेद है, इसमें मक्खन कौन निकलेगा, अरे बाबा दूध में मक्खन होता है, सफेद पानी में मक्खन नहीं होता, तुम नहीं समझते ना, वो सफेद पानी दूध है, ये सफेद पानी चूने का पानी है, अरे वाह सब लोग मत रहे बेवकूफ है क्या, सारा संसार भागा जा रहा है संसार की ओर परमानंद प्राप्ति करने के लिए, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ प्राप्त करने के लिए, अरे तुलसी सूर्य मीरा इन्हें गिने महात्मा कहते हैं, चूने का पानी है, इनका दिमाग खराब, मेजोरिटी इधर इधर तो है, सब इधर जा रहे भाग रहे, अपन भी इधर भागो, सोचने का मौका नहीं, जब ठहर जाओ सोच लो समझ लो, अजी हमको जल्दी है, फालतू बात क्यों करते हैं। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु में सुख न माने तो अटैचमेंट न हो, आसक्ति न हो, जब आसक्ति न हो तो उसकी कामना न पैदा हो, जो कामना न पैदा हो तो उसकी पूर्ति अपूर्ति का क्वेश्चन न पैदा हो, तो लोभ क्रोध आदि आ गए, आराम से रहे निष्कंटक चुट्टी, तुरंत के पैदा हुए बच्चे की तरह, उसने किसी वस्तु में सुख नहीं माना, अभी जब आज आज पैदा हुआ आज आज आराम से, मां मर गई सब रो रहे हैं घर भर, वो किलकारी मार रहा है, 2 महीने का बच्चा अपना पैर उछाल कर किलक रहा है, कोई कहे तेरी मां मर गई तू किलक रहा है, तो बोले जाओ तुम कुछ बोलना हम समझते ही नहीं कुछ तो भी बोल रहे अपने झगड़े में पड़ते ही नहीं हो, जिसकी जितनी आसक्ति है उसको उतने दुख है मां के मरने पर, बच्चों में भी अलग अलग आसक्ति होती है हर बच्चे की मां के प्रति, जिसकी जितनी लिमिट की आसक्ति है उतनी लिमिट का दुख उसको भी योग में होगा। ठीक, तो अब आप समझ गए कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु में बार बार सुख का चिंतन न करे तो सारी बीमारियां समाप्त हो जाए, लेकिन इसका भी तो कोई रीजन होगा, कोई व्यक्ति किसी वस्तु में क्यों सुख का चिंतन करता है,
क्या रीजन? कोई अपने बस में है क्या? किसी वस्तु में सुख न माने, ये कोई अपने हाथ में है ना? अपने हाथ में नहीं। क्यों? इसलिए कि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर आनंद है। ईश्वर में आनंद नहीं होता। ईश्वर और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ये तो बोलने के लिए लोग कह देते हैं भगवान में आनंद है। भगवान में आनंद नहीं है। आप जो समझिए, आपने समुद्र देखा होगा, समुद्र आपके पड़ोस में है। कोई आदमी कहता है समुद्र में पानी भरा है। समुद्र में पानी भरा, समुद्र माने कोई बर्तन है क्या? समुद्र, समुद्र माने, समुद्र माने, समुद्र माने पानी का ढेर। तो पानी के ढेर में पानी भरा है, ये कौन सा वाक्य हुआ आपका? समुद्र में पानी भरा, हम समुद्र से पानी ले आए हैं, हम समुद्र के पानी में नहाए थे। इस समुद्र का पानी क्या होता? अरे समुद्र माने ही पानी है, और समुद्र में क्या होता है? समुद्र माने जल निधि, अम्बुधि, बारिधि, माने पानी का एक अनलिमिटेड, एक बहुत बड़ा समूह, एक राशि। पानी की बड़ी लिमिट को, सबसे बड़ी लिमिट को समुद्र कहते हैं। तो सबसे बड़ी लिमिट जो पानी की है, उसमें पानी रहता है। ये क्या बात हुई? उसी प्रकार आनंद सिंधु, आनंद सिंधु भगवान है। उसमें आनंद क्या रहता है? वो तो आनंद सिंधु है। आनंद सिंधु में आनंद रहता है, ये तो बोलने ही उसी प्रकार है जैसे कोई कहे जल निधि में जल रहता है। तो भगवान में आनंद ही आनंद है, ये समझाने के लिए बोलते हैं। वस्तुतः तो भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है, और जीव उसका अंश है। इसलिए प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है, ये उसका नेचुरल नेचर है। तो यदि हम आनंद चाहते हैं, ये हमारा नेचर है, तो नेचर माने जो बदला न जा सके। अनंत कोटि कल्प तक कोई नास्तिक बने, कम्युनिस्ट बने, 50 तरकीब लगावे और ये प्रिंसिपल बना ले अपना, ये एम बना ले अपना, हमें आनंद नहीं चाहिए, दुख चाहिए, असंभव, कोई नहीं बना सकता। आनंद चाहिए, शांति चाहिए, नेचर है, इसे कौन काट सकता है? भगवान को 1,00,000 गाली देते हैं, किस लिए? आनंद मिले इसलिए। तो तुम भगवान को तो चाह रहे हो? बिल्कुल नहीं। अरे तुम उसको माँ का पति कहते हो ना? हाँ हाँ, तो बाप ही तो है, और क्या है? ये तुम्हारे दिमाग का फेर है, तुम्हारा दिमाग खराब है, जो समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे। वो तो पर्यायवाची शब्द है। तुम्हें जब एक ज्ञान हो जाएगा तो ये बोलना बंद कर दोगे कि हम भगवान से नफरत करते हैं, आनंद चाहते हैं। क्या बात है? तो क्योंकि आनंद प्राप्ति हमारा नेचर है, अपरिवर्तनीय नेचर, इसलिए यह जा नहीं सकता। इसलिए हम कहीं न कहीं आनंद मानेंगे, मानना पड़ेगा, कहीं न कहीं। इस आदमी में नहीं मानेंगे, इसमें मानेंगे, इसमें नहीं मानेंगे, इसमें मानेंगे, इस सामान में नहीं मानेंगे, इस सामान में मानेंगे, कहीं न कहीं आनंद की रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भूखे हैं। जैसे पेट का भूखा खाए बिना चैन से नहीं रह सकता, वैसे आनंद का भूखा है जीवात्मा, एक क्षण को चैन से नहीं रह सकता। आंख बंद है, आंख खोला, क्यों? आनंद के लिए। देखा, ये चारों तरफ तो देख रहे हो, आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद। सो गया, आनंद के लिए। जागा, आनंद के लिए। बैठा, आनंद के लिए। उठा, आनंद के लिए। रोया, आनंद के लिए। दुख के लिए कोई नहीं रोता, सब आनंद के लिए रोते हैं। रोने से आनंद मिलता है। बाप मर गया, बेटा मर गया, पति मर गया, इसको आनंद मिल रहा है। हाँ, ये बाप बेटा पति के मरने का जो दुख मिला ना, उस दुख को रोकर निकाल रहा है तो आनंद मिल रहा है। अगर ये न रोए ना, ना आंसू बहाए, तो
इतना दुख उसका सिमट जाए कि बर्स्ट हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, मर जाए। उस दुख को निकालने से उसको पीस मिल रही, वरना कोई चोर रोवे, उसका बाप मर गया, बेटा मर गया, पति मर गया, ऊपर से रोए भी तो कानून है क्या रोने का? आनंद मिल रहा है तभी तो रो रहा है क्या, वरना क्या रोता? और जब रोने से आनंद मिलना बंद हो गया, चुप हो गया, फिर हंसने में आनंद मिला, हंसने लगा। आप लोग हंसते भी तो है, हाँ हंसते, हंसने में आनंद मिलता है, हाँ मिलता है, फिर हंसना बंद क्यों कर देते हैं? अजीब कितनी देर हंसे, क्यों आनंद से नफरत हो जाती है क्या? अगर हंसने में आनंद तो हंसते जाने ही लगातार, नहीं जी वो कुछ देर मिलता है फिर तो हंसने से आनंद नहीं मिलता। सोने में कुछ देर आनंद मिलता है, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे धर लो कुंभकर्ण के अवतार लोगों को, लेकिन उसके बाद तो जागना पड़ेगा, कहां तक सोएंगे? फिर दुख मिलने लगता है, अरे दर्द हो गया पड़े पड़े खाट पर, अरे जब कभी ऑपरेशन वगैरह होता है डॉक्टर कहते हैं 24 घंटे पड़े रहो एक पोजीशन में, क्या गति होती है हट्टे कट्टे आदमियों की। देख क्रियाएं विरोधी हो रही है, लेकिन वही भूख है उसको आनंद आनंद आनंद, कहां मिले कैसे मिले, उल्टा पलटा सब काम कर रहा है बेचारा, सब प्रकार के उपाय कर रहा है किसी प्रकार आनंद मिल जाए, बोल रहा है आनंद मिल जाए, बोलते बोलते थक गया, अब चुप रहो जी आनंद मिल रहा है, ये विरोधी क्रियाएं कर रहा है एक आनंद की, क्योंकि आनंद उसका नेचर है, वो चैन से नहीं बैठ सकता 1/100 सेकंड को भी, तो वो आनंद को कहीं न कहीं तो मानना पड़ेगा बेचारे को, भले धोखा हो कहीं न कहीं तो मानेगा। और जहां आनंद माना वही अटैचमेंट हुआ, उसी की कामना पैदा हुई, उसी के लिए लोभ क्रोध दबाया आया, अब दूसरी जगह माना आनंद, अब वहां अटैचमेंट हुआ, वहां लोभ क्रोध, अब तीसरी जगह माना। इसी प्रकार दिन में 1000 बार साल में करोड़ बार नाटक हम किया करते हैं दुखी, तो छोड़ो छोड़ो कहने से क्या काम चलेगा? अगर किसी को, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, अगर किसी को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, अनलिमिटेड आनंद जो हम चाहते हैं वो मिल जाए, तो कहीं आनंद न माने, न कहीं आसक्ति हो, न कहीं कामना पैदा हो, कोई बीमारी न पैदा हो, बशर्ते कि आनंद मिल जाए। जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक जीव कहीं न कहीं आनंद को मानेगा, और जहां मानेगा वहीं अटैचमेंट होगा, जहां अटैचमेंट होगा उसी की कामना पैदा होगी, ये बीमारी कभी नहीं जा सकती, लेक्चर देने से नहीं जाएगी, अपने बोलने से नहीं जाएगी, ये रटने से नहीं जाएगी, काम छोड़ो क्रोध छोड़ो लोभ छोड़ो, छोड़ो कैसे छोड़ेगी, अब जैसे भी छोड़ो छोड़ो, ये छोड़ो कहने से छूटेंगे, ये तो और दबाएंगे छोड़ना कहने से। देखो मन बड़ा बदमाश है, अगर कहीं साइन बोर्ड लगा दो यहाँ पेशाब करना मना है तो लोफर बच्चे वही करेंगे, और जगह छोड़ देंगे वही करेंगे, जो तुम कहते हो ना क्रोध छोड़ो लोभ छोड़ो, तो मन कहता है क्यों ये छोड़े, मर जाए दुनिया में, बताओ कैसे छोड़ देगी, क्यों छोड़ देगी, और उल्टा सोचेगा। अरे देखो गुरु की बात भी आप लोग जब सुनते हैं तो कुछ देर उल्टा सोचते हैं, गुरु ने कहा देखो तुम गलत काम कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा महाराज जी, वो पैसा कह देते हैं, और प्राइवेट सोचते हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उल्टा सोच रहा। तो फिर भला बताओ मन कैसे छोड़ देगा आपको, अनाधिकाल का साथी है आपका, आपकी रुचि के अनुसार चल रहा है। इसलिए जैसे संसार में यो सोचो कि तुम्हारा मन किसी दुश्मन के प्रति है, गुस्सा कर रहा है, राम दत्त नाम का दुश्मन है हमारा, अब तुमको किसी ने याद कराया सबक, तुम राम दत्त से दुश्मनी छोड़ दो, तुमने याद कर लिया, हाँ सोचो इसी को बार बार, उसमें छूट जाएगी, सोचा राम दत्त से राम दत्त, कौन राम दत्त, वो बदमाश, दुश्मनी बढ़ने लगी, क्योंकि राम दत्त का स्मरण हो रहा है हर बार, राम दत्त से दुश्मनी, दुश्मनी छोड़ दो, उसने हमारे साथ ही किया, दुश्मनी छोड़ दे,
लेकिन महात्मा जी ने कहा है छोड़ दो, अच्छा करो छोड़ते हैं, राम दत्त से दुश्मनी छोड़ दो, वो बदमाश जितनी बार आप याद करेंगे उसकी दुश्मनी प्लस होगी माइनस नहीं होगी। ऐसे प्रिय के प्रति जिससे आपका प्यार है और कोई कहे भुला दो उसको मन से, किसको उसको, उसको किसको उसको याद आई और प्यार बढ़ेगा। इससे दवाई छोड़ रही है तो उल्टा इलाज कर रहे हैं आप इससे रोग नहीं जाएगा। और फिर जो हमने साइंस बताई उसके अनुसार आनंद की भूख हमको नेचुरल है और प्रति सेकंड है, ये भी कमाल। और कहीं न कहीं हम आनंद मानेंगे जो देखेंगे संसार में, वही तो मानेंगे और क्या करेंगे उसके आगे, कहां जाएंगे। ये दोस्त अच्छा है, ये सहेली बनाने लायक है, बड़ी अच्छी है सहेली, अच्छा अच्छी है। जब उसकी कोई गड़बड़ बात आउट हुई, अरे ये तो खराब निकली, वो अच्छी है। बस यहां वहां कच्चे की रिहर्सल किया, जीवन समाप्त हो गया। जजमेंट ये भी नहीं दे पाए मरते मरते कि ये सब के सब डेंजरस है, डायबिटीज के मरीज के लिए सब मिठाई वर्जित है। हमने तो रिसर्च अभी तीने चार में किया, रसगुल्ला खाया डायबिटीज बढ़ गया, पेड़ा खाया डायबिटीज बढ़ गया, बर्फी खाया डायबिटीज बढ़ गया और मर गए। यही तीन खराब है, बाकी मिठाई अच्छी होगी ये सोच के मरा। अरे बेवकूफ, अब भी तुझे ज्ञान नहीं हुआ ये सारी मिठाई खतरनाक है इस मर्द के लिए। उसी प्रकार जहां तक माया का आधिपत्य है वहां तक आनंद की कल्पना करना, बार बार आनंद का चिंतन करना, अटैचमेंट करना है, सब डेंजरस। तो अब आप समझ गए कि जब तक हमको परमानंद की प्राप्ति न हो जाएगी तब तक हम किसी भी प्रकार किसी वस्तु में आनंद मानना न बंद करेंगे, अतएव सारी बीमारी सदा बनी रहेगी। अतएव ये कहना कि काम छोड़ो क्रोध छोड़ो, ये बकवास नहीं तो और क्या है, सोचो। अच्छा ये भी आप लोग कहते हैं बड़े भोलेपन में, महाराज जी और तो सब ठीक है हमारे अंदर, अच्छा खाली गुस्सा बहुत तेज है और सब ठीक है, और सब ठीक, पत्थर ठीक है। ये दोष रहेंगे तो सब रहेंगे, एक चला गया एक बैठा है, ऐसा नहीं होता। ये माया का परिवार है, इनका परस्पर संबंध है, ऐसा नहीं है कि एक चला गया एक है। हाँ एक का एटमॉस्फियर न मिला होगा और दबा हुआ है, जब उसका एटमॉस्फियर मिल जाएगा वहां फिर तो बढ़ जाएगा। हाँ गुस्से का वातावरण आपको बहुत मिलता होगा, हाँ गुस्से का बीवी तो फिर एक की दो सुनाती है, पुत्र में चार सुनाता हूं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुल कप रूप दिखावा। हाँ तो ये बात है, गुस्से का कारण ये है कि तुम्हारी बीवी और तुम दोनों समझदार हो, और अगर तुम्हारे गुरु जी आ जाए तो बीवी कहती है महाराज जी इनको समझा दीजिए, और पतिदेव कहते हैं महाराज जी इनको समझा दीजिए, और दोनों ये नहीं कहते कि महाराज जी हमको समझा दीजिए। ये कोई कहने को तैयार नहीं कि महाराज जी हमको समझा दीजिए, ये नहीं समझती तो भाड़ में जाए। हम तो गुस्से को न फील करें, गुस्सा न करें, ये दकने दे दकती रहे समझ लें घर में पागल है। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, उसने एक बात मैंने दो कहा, और जब हम समझाते हैं हमें तो हजारों गृहस्थियों से पारा पड़ता है ना, समझाते हैं कि भाई देखो तुम चुप हो जाओ उनको बोलने दो, महाराज जी अगर मैं चुप हो जाऊं तो सर के बाल बीन ले, जब मैं कुर्राती हूं तो चुप हो जाते हैं। ये लेक्चर देते हैं हमको लोग, ये दवाई बता रहे हैं कि जब वो गदरा ऊपर उठे पहले तो मैं नहीं बोलती, फिर मैं जोर से बोली तो वो बैठ जाए। अब आपके लेक्चर दे रहे हैं महाराज जी कि तुम चुप रहा करो, ये लेक्चर हमारे काबिल नहीं ये जोकरी आप लोग तो बड़ा अनुभव होगा, समझते होंगे, प्राइवेट सोचिएगा। हाँ तो ये गलत बात है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा एक दोष चला गया है, एक शेष है, ऐसा नहीं। ये सब एक दूसरे से संबद्ध है, जाएंगे तो सब जाएंगे, जब भगवत प्राप्ति होगी और माया चली जाएगी तो सब चले जाएंगे, और अगर रहेंगे तब सब रहेंगे। अब कोई बलवान है कोई कमजोर है ये सब बात अलग है, लेकिन कमजोर को भी कमजोर न समझो, वो किसी दिन इतना बलवान हो सकता है कि तुमको पागल बना दे, मामूली सा दोष भी।
ये सब बड़ी बड़ी पावर्स हैं। जैसे भगवान की पावर अनंत है, ऐसे माया की पावर भी अनंत है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र फेल हो जाते हैं। जो जल पी करके हवा खा के रहने वाले हैं, उनको भी जब गंदा एटमॉस्फेयर बार बार मिलता है तो उनका भी अटैचमेंट हो जाता है। बिना भगवत प्राप्ति हुए कोई गारंटी नहीं कि इसका पतन नहीं होगा। हाँ, अगर भगवत प्राप्ति हो गई आप छुट्टी नहीं, आप कोई डेंजर नहीं। जैसे कबड्डी में एक लाइन होती है ना, उस लाइन को छू ले हो आप कोई डर नहीं, आओ हमको छू, जो छूएगा सब मर जाएंगे। लेकिन जब तक वो कबड्डी की बीच वाली रेखा को न छू लो, तब तक तुम अगर पकड़ गए तो मरे, फिर नहीं बच सकते आप। बिल्कुल लाइन के एक बाल भी अंतर भी रह गया अगर तुम्हारे हाथ के पहुंचने में, लाइन को टच नहीं किया तो तुम मरे, लाइन छू लिया तो बाकी सब मरे, तुम बच गए। तो वो सिद्धांत है ईश्वर प्राप्ति का, यदा हे तस्मिन्नु धर्मांतरं कुरुते अथ तस्त भयं भवति। थोड़ा भी अंतर अगर है ईश्वर प्राप्ति में, थोड़ी भी कमी है, तो फिर तुम्हारा पतन हो सकता है अंतिम। होशियार रहो सदा, दुश्मन को तम मत समझो कभी भी। इसलिए सारे दोष बलवान हैं और सभी पूरी पावर रखते हैं जीव के नाश के लिए। किसी कारणवश कोई दबा हुआ है, इसलिए ये मत सोचो वो चला गया है, वो छुपा बैठा है। जैसे एक समझदार गृहिणी अपना घर बंद करती है तो एक बार चेक कर लेती है, रात को गुसलखाने का भी देख लिया, किवाड़ा वो भी देख लिया, वो भी सब जगह देख के तब सोती है आराम से। नहीं कोई चोर आके घर में बैठा हो गुसलखाने में, हमने चेक नहीं किया, रात को सामान लेके अपना सीढ़ी से उतर जाए, हम अपना खुर्रा के ले रहे, तो बेवकूफ स्त्री है। तो उसी प्रकार हमेशा हमको सावधान रहना है इन दुश्मनों से। लेकिन इनका इलाज ये नहीं है कि छोड़ो 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 का चिंतन करो, इससे छूट जाएंगे, इससे नहीं छूटेंगे, ये बात गलत। इनके छोड़ने का इलाज छोड़ना कहना या सोचना नहीं है, ये दोष ऐसे नहीं छूटेंगे। फिर कैसे छूटेंगे? राम भजन बिनु मिटहि न कामा, थल विहीन तारु कबहु कि जावा। जब भगवान से प्रेम होगा तब ये सब कामनाएं छूटेंगी, ये दोष छूटेंगे। भगवान से प्रेम होगा तब कामनाएं जाएंगी। और भगवान से प्रेम कब होगा? भजी राम सब काम बिहाई, जब सब कामनाएं चली जाएंगी तब भगवान से प्रेम होगा। जो सब कामनाएं चली जाएंगी तो भगवान से प्रेम होगा, और जो भगवान से प्रेम होगा सब कामनाएं चली जाएंगी। ये क्या गप है जी? आप तो दोनों को एक दूसरे पर आश्रित कर रहे हैं। पहले कामना जाए कि पहले भगवान का प्रेम हो, तो बताओ। अजी बिना कामना गए भगवान से प्रेम कैसे होगा? क्योंकि मन ही में तो कामना है, मन ही से प्रेम करना, तो पहले कामना छोड़ दे, हाँ, फिर भगवान से प्रेम करें। हाँ, लेकिन कामना कैसे छोड़े बिना आनंद प्राप्ति? ये तो असंभव है। बिना कामना छोड़े भगवान की उपासना असंभव, और बिना भगवान की उपासना के कामना छोड़ना असंभव। हमारी गाड़ी अटक गई, हम क्या निश्चय करें? दोनों प्रकार के प्रमाण शास्त्रों वेदों में भरे हैं। एक पार्टी ये कहती है कि कामना छोड़ दो तब भगवान की उपासना होगी, क्योंकि उसी मन से ही तो उपासना करना है भगवान की। और दूसरी पार्टी कहती है क्या बकवास करते हो, कामना छोड़ दो, कामना छोड़ दो, कामना कोई नहीं छोड़ सकता। हाँ जी, तुम भगवान की उपासना करो तो कामना छूट जाएगी। ये दो विरोधी बातें हमारे सामने अनादिकाल से चक्कर काटती रहती हैं और हम परेशान रहते हैं, इसको हल करना है। लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए वृंदावन बिहारी की बात। इस पद की व्याख्या में कल मैंने आप लोगों को यह बताया कि मन ही करता है
अतएव समस्त तत्वज्ञ मन को ही संबोधित करके उपदेश देते हैं। पश्चात तो अनोखी बात यह बताई गई कि लोक एवं वेद में इस बात पर जोर दिया जाता है कि काम क्रोध लोभ आदि दोषों को त्याग दो, किंतु मेरी राय में यह ठीक नहीं है। इसका विज्ञान भी बताया गया, जीव जब तक दिव्यानंद न प्राप्त कर लेगा तब तक वो आनंद की कल्पना कहीं न कहीं करेगा, और जहां आनंद की कल्पना बार बार करेगा वहां उसकी आसक्ति हो जाएगी, और जहां आसक्ति होगी उसी की कामना उत्पन्न होगी, और फिर कामना की पूर्ति में लोभ एवं अपूर्ति में क्रोध आदि उत्पन्न होंगे। अतएव इन कामादि दोषों का परित्याग करना तब तक संभव नहीं जब तक ईश्वरीय दिव्य आनंद न प्राप्त हो जाए। किंतु दूसरा पक्ष ये भी है, जैसा कि वेद कहता है, उपासते पुरुषम ये यकामाः ते शुक्रम इदत अतिवर्तन्ति धीराः, अर्थात भगवान की उपासना करने वाले को कामनाओं का परित्याग करना होगा। कामना जब तक अंतःकरण में है तब तक उपासना असंभव, कठिन है ऐसा नहीं। उपासना शब्द का अर्थ क्या होता है? मन में ईश्वर की कामना, इसका नाम उपासना। तो कामना और उपासना का भेद इतना विपरीत है जितना अंधकार और प्रकाश का। मायिक जगत की कामना, इसका नाम कामना, और ईश्वरीय जगत की कामना, इसका नाम उपासना या प्रेम, कुछ कह लीजिए। एक मन है, उसमें चाहे संसार की कामना बना लो चाहे ईश्वर की कामना बना लो। इसलिए जब तक संसार संबंधी कामनाओं को न छोड़ोगे तब तक ईश्वर की उपासना संभव ही नहीं है। गोपियों ने कहा था उद्धव से, उद्धव जी मन न भये दस बीस, एक हु तो सो गयो श्याम संग। एक ही तो मन है, चाहे संसार की कामना बना लो चाहे भगवान की कामना बना लो। और चूंकि ये दोनों विरोधी कामनाएं हैं इसलिए दोनों नहीं रह सकते। अगर एक क्षेत्र की कामना हो, इसे माइक क्षेत्र में स्त्री की कामना, पति की कामना, बाप की कामना, बेटे की कामना, धन की कामना, ये तमाम कामनाएं एक क्षेत्र की हैं, ये सब हो सकती हैं। इसी प्रकार ईश्वर की कामना, ईश्वर के नाम की कामना, ईश्वर के गुण की कामना, ईश्वर की लीला की कामना, ईश्वर के धाम की कामना, ईश्वर के संत की कामना, ये कामनाएं एक साइड की हैं। इन सब को आप कर सकते हैं, लेकिन संसार की कामना और ईश्वर की कामना, ये दोनों विरोधी वस्तु। इसलिए भगवान की यहां तक शर्त है कि संसार की कामना अगर अत्यंत लघु मात्रा में भी रहेगी, 0.1% और कम थोड़ी भी रहेगी, तो फिर मैं अपने उस विरद का पालन नहीं करूंगा। तेषाम नित्याभिजुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, अर्थात मैं उसके योगक्षेम को नहीं बहन करूंगा। तेषाम हंसमुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसकी मुक्ति का ठेका नहीं लूंगा। कौन ते प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन हो न हो मैं जिम्मेदार नहीं बनूंगा।
उसके त्रिगुण, उसके त्रिकर्म, उसके त्रिदोष, उसके पंचक्लेश, उसके पंचकोष इत्यादि जितने भी दोष हैं, मैं उनको मिटाने का ठेका नहीं लेता। मैं स्वयं उसके सामने नहीं आऊंगा, मैं प्रेमानंद नहीं दूंगा, मैं दिव्य ज्ञान नहीं दूंगा, एक भी काम नहीं करूंगा अगर थोड़ी भी कामना संसार की है। इतनी बड़ी शर्त है भगवान की। इसलिए अब झगड़ा ये आपके सामने आ गया कि बिना कामना छोड़े भगवान की उपासना नहीं हो सकती, और कामना बिना उपासना के जा नहीं सकती, क्योंकि आनंद प्राप्ति न होगी तो कामना कैसी जाएगी। ये दो विरोधी बातें हमारे शास्त्र वेद में लिखी है, और बड़े बड़े बुद्धिमान सरस्वती बृहस्पति भी चक्कर खा जाते हैं। हम आपको थोड़ी देर में समझा देते हैं, अभी गधा भी समझ जाए इस तरह से। देखिए, कामनाओं को मिटाना नहीं है, पहली बात समझिए, यानी दोषों को छोड़ना नहीं है, इनको समाप्त करने की स्कीम ही रंग लाना है। ये प्लानिंग गलत, क्योंकि समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन फिर भगवान की उपासना कैसे होगी, ये प्रश्न भी तो है साथ में। सीधा सा इलाज, पहले यह समझो कि संसार की कामना क्यों डेंजरस है। यह बात समझ में बैठ जाए तो फिर चुटकियों का काम, कोई परिश्रम नहीं। गाड़ी यहां रुकी है हमारी, हम संसार की कामना करते हैं, संसार से भी करते हैं, भगवान से भी करते हैं। एक कब्रिस्तान से लेकर भगवान तक हम केवल एक ही बात के पीछे पड़े हैं, हमें संसार मिल जाए। पहले सोचो, क्या संसार में सुख है? निष्पक्ष होकर सोचो, नहीं तो फिर संसार की कामना व्यर्थ, बकवास। तुम तो पागल नहीं हो, समझदार हो। या तो तुम्हारी बुद्धि ये कहे संसार में सुख है, भगवान में सुख नहीं है। ऐसा कैसे कहेंगे जी, संसार का अनुभव कर चुके हैं अनादिकाल से अब तक, कभी कहीं सुख का लवलेश भी नहीं मिला। गरीब जितना दुखी है पैसे के लिए, करोड़पति उतना ही दुखी है पैसे के लिए। ये बात समझ में बैठती नहीं? हाँ, नहीं बैठेगी। करोड़पति हो जाइए फिर बैठ जाइए, या किसी करोड़पति से कांटेक्ट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो करोड़पति को पैसे की कामना तो न होगी, और चीजों की होगी। ना ना, पैसे की ही कामना है, वो बीबी को बेच कर 1 करोड़ रुपए और ले लेना चाहता है, इतनी अधिक कामना है तेरी। आप लोग प्राय परिहास में कहा करते हैं, किसी से कोई कहता है अरे हलवा खाओ, रसगुल्ला खाओ, तो दूसरा व्यक्ति कहता है जी हम तो रोज खाते हैं, आप खाइए। अरे मैंने साहब बहुत खाया है, मैं नीची फैमिली का नहीं हूं, तो बड़े आदमी की फैमिली का हूं, इसलिए मैंने बहुत खाया है। याद रखो, जिसने बहुत खाया है वही रसगुल्ले का मरीज होगा, जिसने कभी नहीं खाया और रसगुल्ला नाम से क्या परिचित होगा, उसे क्या पता है रसगुल्ला क्या बला है। उस गांव के गंवार को तो गुड़ मिल जाए भी बोर हो जाएगा, उसको रसगुल्ला की बीमारी कैसे पैदा होगी। जो पदार्थ जिस व्यक्ति को अधिक मिला है वही उसका मरीज होगा। जिसने कभी चाय नहीं पी, उसको चाय का क्या रोग पैदा हो सकता है, जो रोज पीता है उसी को पैदा होता है ना। तो ये लोग भोलेपन में कह देते हैं हमने तो बहुत खाया है, बहुत दुनिया देखी है, बहुत ऐसा किया है, बड़े ऐश आराम किए हैं जी, हमारा तो पेट भर गया। पेट भर जाएगा, वासना का पेट बढ़ता है रबड़ की तरह, वो घटता नहीं। जितना विषय सेवन करोगे उतने वो इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, वो घटती नहीं। इसलिए पैसे वाले को पैसे की ही कामना है,
शरीर नष्ट हो जाए, बीवी बच्चे भाड़ में जाए, पैसा आवे, उसके सामने एक लक्ष्य है बस पैसा। इसी प्रकार स्त्री का शौकीन, इसी प्रकार किसी वस्तु का शौकीन जिस विषय में अधिक दिन रहेगा उसी की कामना पैदा होगी, उसी का मरीज रहेगा। ये नियम है। इसलिए जो हालत एक गरीब की है उससे बदतर हालत अमीर की है, उसके बराबर नहीं कह सकते आप, क्योंकि गरीब की कामना छोटी सी होती है, मेरे दो कुर्ते हो जाते, दो कमीज हो जाती, एक कमीज पहनते, एक रखे रहते, जब कहीं जाते ससुराल वगैरह तो वहां पहनते, बस इतनी सी प्लानिंग है बेचारी, बस कुल। और जिसके 10 कमीजें हैं 40 रुपए मीटर कपड़े की, एक कपड़ा मैंने देखा था, एक आदमी पहले था, आज हमने देखा उसको, वो कपड़ा कहाँ मिलता है, विलायत कहाँ है, लग गए भी मैं बेबियां क्या करती हैं, एक दूसरे को देखा करती हैं, जो भी स्त्री किसी को मिली क्या देख रही हो, साड़ी क्यों देख रही हो, इसलिए कि हमको बीमारी पैदा हो, हम परेशान हो, फिर अपने पति से या किसी से कह करके इस कपड़े को खरीदना है, जहां मिले जैसे, ये रोग पाल ले और अच्छे खासे बैठे खाली, क्या मुसीबत मोल ले रहे हो बीमारी है सब, क्यों दूसरे को देखते हो, क्या देखते हो आप, फिर देखने के बाद ये आपने कहां से खरीदा है, ये आपने कितने खरीदा है, भयंकर रोग। आज मैं भी शॉपिंग के लिए गया था तो मैंने थोड़ा सा नाटक देखा, एक दुकान पर गया एक कपड़े के लिए, उसने बेचारे ने 10 कपड़े दिखाए, इतना परिश्रम दिया, लेबर किया, हमने कहा ले लो तो महाराज जी और दुकान देख ले, क्या बीमारी और दुकान देख ले, तुम्हारे हाथ पैर खोपड़ा टाइम सब बेकार है क्या, अनावश्यक घूमो अनावश्यक परेशान हो, क्या और दुकानदार तुम्हें फ्री दे देगा क्या, अरे बंबई है एक दाम की दुकान है, क्या बात है, मेरा और देख ले, क्या देख लोगे, अरे रुचि नाम वैचित्र्यात् संसार में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, चार लड़कियां खड़ी हो जाए कहीं कपड़े की दुकान पर और कोई कपड़ा भला पसंद आ जाए सबको, असंभव, ये कलर क्या है, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये लेटेस्ट है, क्या कपड़ा है, शब्दों को याद कर रखा है, और वही पुराना फिर वही नया बन जाता है, चार साल बाद अब नया फैशन, क्यों जी तुमने चार साल पहले कहा था पुराना, हाँ वो जो पुराना था ना हमने उसके नाम बदल दिया है, अब उसको नया कह दिया, ये जोकरी करते हैं ना, ये बीमारी अपने आप पाल। तो जो व्यक्ति अनेक प्रकार के इन कपड़ों के रोग में ग्रस्त है उसी को कपड़े की बीमारी पैदा होगी, उसी को कपड़े की लालसा होगी, उस गरीब को क्या है जो बेचारा अपना एक धोती मोटी पहन के ठाट से और विभोर है, कहीं दो महीने में एक बार धोबी क्या देता है कपड़ा, अपने कपड़े को देखकर वह भी खुश होता है जैसे आप खुश होते हैं, ठीक उसी प्रकार खुशी में कोई अंतर नहीं है, आनंद उसको भी मिलता है, केवल पानी में धो लेता है, साबुन वाबुन कहां बेचारी के पास, करोड़ों आदमी हमारे देश में ऐसे है, पानी से धोया तो क्या कपड़ा साफ होगा, एक महीने का गंदा, प्रेस करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन उसी को देख करके अपना हाँ जच रहे हैं, बड़ा विभोर होता, जो आपको आनंद मिल रहा है इतने टिपटॉप में चाहे पेरिस से कपड़े धुल के आओ, वही आनंद उसको मिल रहा है, गरीब को आनंद में कोई अंतर नहीं। तो संसार में सुख नहीं है यह निश्चय सबको अपने अंदर है, भीतर सबको सुख के न होने का अनुभव है, बाहर कोई कहे न कहे, एक्टिंग में हम लोग ये भी कह देते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर जानता है अपना कि मैं तो हमेशा परेशान ही रहा, जब से पैदा हुआ हमेशा परेशान, हमारे पास एक समय ऐसा भी था तब भी परेशान था, अब एक समय ऐसा आ गया तब भी परेशान, एक समय फिर वो हो जाएगा फिर परेशान। तो इस प्रकार संसार में सुख नहीं है यह निश्चय यदि है तो फिर संसार की कामना क्यों। दूसरा पॉइंट ये बताओ
कि संसार के वैभव क्या आ जाने पर अहंकार नहीं करेंगे, अहंकार को नहीं बढ़ाएंगे? जब किसी के पास संसार का वैभव आता है, सबके पास आता है, दरिद्री के पास भी आता है, देखो घोर दरिद्र के पास भी अहंकार का सामान आ जाता है एक समय में। प्रातः छोटे से बरसे गर्द भी चाप सराए थे, 16 वर्ष की उम्र में गधी जो होती है, गधी वो भी अपने को अप्सरा समझती, चलो यही अहंकार है उसको अपनी उम्र का। वो गधी भी गर्द भी चाप सराए थे, वो गर्द भी अपने को अप्सरा मानती है, बड़ी भी हो, घोर काले रंग में हो, सफेद पाउडर लगाकर शीशा देखकर विभोर हो जाती। और अगर भगवान का बाप भी उसकी ओर देखे, ये बदमाश मेरी ओर देख रहा है, मेरे में आसक्त हो गया है, यही बीमारी पैदा होती है। फिर किसी में कुछ गुण हो, कुछ पढ़ा लिखा हो, कुछ पैसा हो, कुछ और बातें हो, और फिर विशेष और मांगो भगवान से, इसका मतलब ये भी कम बेहोश है हम, और बेहोश हो जाए कि कोई राम नाम ले तो कान में उंगली दे ले, घंटा कर्ण हो जाए। इसलिए संसार मांगते हैं भगवान से या संसार से किसी से। तो संसार संबंधी कामना की पूर्ति से भी हानि है, अपूर्ति से भी हानि है। यदि इस फिलॉसफी को अच्छी प्रकार से खूब चिंतन पूर्वक समझ लिया जाए, संसार की कामना पैदा हो ही नहीं सकती, सारा संसार इकट्ठा हो जाए। संसार में अगर किसी दो में झगड़ा हो जाता है, स्त्री पति में हो, बाप बेटे में हो, पड़ोसी पड़ोसी में हो, तो फिर लाख सारी कहो क्या होता है, अंदर तो गड़बड़। बाहर से गले मिलो या चार आदमी कहे चलो माफी मांगो, अच्छा चलो भाई मांग लेते हैं माफी, लेकिन वो कहा अंदर तो गड़बड़ है, ये बाहर के व्यक्ति से क्या होगा। इसलिए केवल शास्त्र वेद के आधार पर मानना गलत, लोगों के कहने पर मानना गलत, स्वयं अच्छी प्रकार उसके रीजन को, उसकी साइंस को समझ करके यदि हम यह निश्चय कर ले संसार में सुख नहीं है, तो भगवान की ताकत नहीं कि संसार में हमारे मन का अटैचमेंट करा दे, किसी की कोई ताकत नहीं। और हम लोग एक सेकंड में कर लेते हैं, अगर आप कहें बड़ा कठिन अटैचमेंट हटना, अरे रोज हटाते हो, तुम्हारा प्यार संसार वाला, वो कामना संसार वाली रोज हटती है, जरा सा अपमान कर दिया बेटे ने, नालायक बेटा, शकल नहीं देखना चाहते, जरा सा बीबी ने कह दिया, क्यों जी तुम उस मकान की तरफ क्यों रोज झांकते हो, इतना कहा भाव लग गया, क्या मतलब तुम्हारा है, बस अब मन हट गया, कट गया, वैराग्य हो गया बीबी से, उसकी शकल नहीं देखना चाहता। तो क्यों जी कोई अभ्यास किया था आपने इसके लिए, नहीं जी अभ्यास अभ्यास नहीं, उसने कहा मैंने सुना, आग लग गई, अब आप कर लोगे। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं, एक स्त्री का उदाहरण आपको बताएं, इंदौर में एक स्त्री है अभी जीवित, उसका ब्याह हुआ और साल भर कुल ब्याह को हुए थे, एक किताब पढ़ रही थी, कोई नारी जीवन क्या जीवन ऐसी किताब थी, पति ऑफिस से आया, उसने कहा क्या पढ़ रही हो, बड़े प्यार से पूछा, अरे नए ब्याह में प्यार अधिक रहता है, मेरी किताब है नारी जीवन। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अब वो स्त्री बहुत बूढ़ी है इस समय, उसके शादी के समय की बात है, उस जमाने में तो बहुत कम आजादी के मामले थे स्त्रियों के। बस कुछ बात चली, अरे ये क्या स्त्रियों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, अजी जो कभी नहीं हुआ हो क्या होगा, जरा बुलक्कड़ थी स्त्री, उसने कहा क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बिना पुरुष के स्त्री के काम नहीं चल सकता है, बिना स्त्री के पुरुष के काम नहीं चल सकता है, दोनों की बहस चलती गई सुरसा हनुमान की तरह, और बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गए दोनों 15 मिनट में,
तो ठीक है, तुम्हारा कम काम चल जाएगा हमारे बिना। हाँ, तुम्हारा काम चल जाएगा हमारे बिना। हाँ, बस बोल चाल बंद। साल भर ब्याह को हुए, अब घर कोई नहीं छोड़ रहा है, उसी घर में दोनों है, लेकिन स्त्री पति का कोई संबंध नहीं। वो कमा के लाके रुपया रख देता है मेज पर, लड़का भी कोई नहीं उसके नाम से पुकारो है पप्पू ये रुपया रखा है बता दे अपनी मम्मी को ये भी पॉइंट नहीं। बस वो अपना कमा के ला दे, वो अपना थाली परोस के इधर आख करके खाना खिला दे, सारा काम कर दे जैसे दुनिया के स्त्री पति करते हैं, लेकिन मुख तक से बोल चाल ले। और ये करते करते उनको करीब 56 साल बीत गए, तब मैं पहुंचा उनके घर में। हमको बुलाया उन्होंने, दावत किया, मैं गया तो मैं आधा घंटे रहा और मैं देखता रहा कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते नहीं, तो मेरी रीडिंग बहुत तेज है, मैंने भाप लिया तो हो सकता है गड़बड़ हो आपस में भी हाल में हुई हो। तो खाना वाना खाने के बाद मैं लेटा हुआ था तो हमने कहा आप लोग झड़बड़ किए हैं क्या बात है, बोलते होते नहीं आपस में। अरे बोलने कौन कहे, देखते नहीं, एक दूसरे की आंख नहीं मिलती, क्योंकि आंख मिले तब तो मान भंग हो जाए। तो जब तक लड़ाई होगी, लड़ाई की पहचान यही है कि हाथ से हाथ मिल जाए, पैर से पैर मिल जाए, आंख से आंख नहीं मिलने पाए। आंख से आंख मिली कि बस फिर बात बिगड़ जाएगी, वो फिर लड़ाई नहीं रह सकती, उसी को बचाते हैं लोग। अब कोई बतावे ना, नहीं स्त्री बतावे ना पति बतावे, बहुत डांटने पर और तुम्हारे घर में कभी नहीं आएंगे, तुम लोग गुरु का अपमान करते हो, छोटी सी बात नहीं बता सकते हो, इतना छुपाते हो, बड़ी धौस जमाया तब जाके वो आउट हुई बात कि महाराज जी ऐसा है कि हम लोग जब शादी के बाद एक साल हुए थे तब ऐसे किताब पढ़ रहे थे, ऐसे पूरा किस्सा बता दे। तो हमने कहा देखो, एक जिद के कारण स्त्री पति दोनों ब्रह्मचर्य से सारे जीवन रहे, पूरे जीवन, और अगर किसी बिना लड़ाई वाले स्त्री पति से कहा जाए तुम एक वर्ष ब्रह्मचर्य से रहो, महाराज जी हम जोगी थोड़े ही हैं, हम तो गृहस्थी है, वो बात करता है, उसकी साधना इतनी वीक है। अगर कहा जाए एक मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत पहनो, ये मत पहनो, महाराज जी तो फिर क्या मर जाए। और अगर डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे लिए ये बंद वो बंद वो बंद, अच्छा तो ठीक है मानेंगे, हमको मरना है नहीं जो आप कहेंगे सब मानेंगे। तो हमें यह बात यदि समझ में अच्छी प्रकार से आ जाए, हम समझ लें इस बात को कि संसार में सुख नहीं है, तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हमारा कहीं प्यार करा दे, किसी कोई कामना पैदा करा दे, कोई शक्ति सर पटक के मर जाएगी। जब हमारी बुद्धि कहती है हाँ यहाँ सुख है, बस कामना पैदा हुई, बुद्धि ने कहा नहीं जी यहाँ सुख नहीं है, अब आप तक कोई देर नहीं लगती हमको, एक सेकंड की, एक सीप पड़ी है, एक पत्थर पड़ा है, एक अंगूठी पड़ी है, देखा नग है इसमें, हीरे का नग है, हाँ कामना पैदा हुई, उसको उठा लिया, प्यार भी हो गया उससे। जब जौहरी के पास ले गए उसने कहा अरे एक रुपए का पत्थर है, कॉमन पत्थर, हीरा उरा नहीं है, अच्छा अरे हम समझे कोई खास बात, प्यार खत्म हो गया। बिल्कुल देर नहीं लगी कि आपने प्रैक्टिस किया हो, अब प्रैक्टिस करो कि ये हीरा नहीं है, ये हीरा नहीं है, कुछ नहीं जी, बुद्धि में आया कि ये एक रुपए का है, प्यार खत्म, बुद्धि में आया एक लाख का है, प्यार बढ़ गए। जहां हम देखते हैं हमारा स्वार्थ हल होगा वही प्यार हो जाया करता है, जहां स्वार्थ की हल होने की बात बुद्धि में, स्वार्थ हल हो न हो का क्वेश्चन नहीं, बुद्धि में केवल ये बात बैठ जाए, बस काम खत्म, छुट्टी, किसी कोई नहीं सुनता। इतनी कामना तुलसीदास की अपनी बीवी के प्रति, जो कि आज सारी दुनिया में कोई व्यक्ति इतना स्त्री प्रेमी नहीं है, चैलेंज है हमारा सारी दुनिया में, इतनी बिगड़ी हुई दुनिया में भी कोई स्त्री पति हो, प्रियतम प्रेयसी हो, लैला मजनू का अवतार हो, और वो प्यार करने दोनों जा रहे हो, भुजाओं को फैलाए और एक रबड़ का सांप भी फेंक दो बीच में,
तो दोनों भाग खड़े होंगे, भाड़ में जाए प्रिय, भाड़ में जाए प्रिय, तुम ये मरने की नौबत आ रही है, हम प्यार करेंगे भाड़े। रबड़ के साथ से यह हाल हो जाएगा। फिर साक्षात सांप को जब पकड़ के लटके होंगे तुलसीदास जी महाराज, तो सोचिए कि सांप अपने शरीर को ऐठा होगा, अरे उसको भी तो कष्ट हुआ होगा, दो मन का वजन लटकेगा सांप के ऊपर, तो उसने अपने शरीर को बचाया होगा, अकड़ाया होगा, घुमाया होगा, उसकी भी फीलिंग नहीं कि ये सांप है, फिर भी समझ रहे रस्सी है। और जंप करके गए अपनी बीवी के पास, कोई चोरी चबारी नहीं है, अरे मेन गेट तो रहा ही होगा किसी मकान का भी, कोई मकान हो ससुराल का, खटखटा लेते कुंडी, मैं आया हूं। अरे सास भी खुश होती, बीवी भी खुश होती, ठीक है हमारे पति देव आए हैं, कोई दुश्मन तो थी नहीं, ये क्या जरूरत थी जंप करने की सांप को पकड़ करके। इतनी समाधि, इतनी बेहोशी, इतनी तन्मयता, तल्लीनता। लेकिन बीवी के एक बागबाण ने अभाव टर्न कर दिया, और ऐसा अभाव टर्न के सीधे जाकर के राम के पास खड़े हुए, धीरे धीरे नहीं तो केवल बुद्धि में बैठ गया। बड़े बड़े लेक्चर सुने होंगे तुलसीदास जी ने तमाम महात्माओं के अपनी जिंदगी में, कोई असर नहीं हुआ। और बीवी का एक छोटा सा वाक्य, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, अरे क्या हाल मास से प्यार करते हो इतना, अगर राम से करते तो राम मिल गए होते, अरे कौन बड़ा भारी उपदेश है, ये तो गधे भी बोलते हैं इस तरह से। एक साहब हमसे पूछने लगे, कहने लगे कि महाराज जी ऐसा न किया जाए कि अपनी स्त्री से कोई खूब प्यार बढ़ावे। अच्छा, इतना बढ़ावे, इतना बढ़ावे, इतना बढ़ावे कि रिकॉर्ड तोड़ दे। हाँ, उसके बाद बीबी से को कह दे कि तुम ऐसा वाक्य बोलना कि तुम क्या हर मास से प्यार करते हो, भगवान से प्यार करो, तुलसी हो जाए कोई ब्याज। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग संसार में। तो हमने कहा तुम्हारी बात तो ऐसी है, एक कथानक है कि एक स्त्री धान कूट रही थी, गांव की धान चावल जो आप लोग खाते हैं, तो वो मूसल होता है उससे कूटती हैं स्त्रियां, गांव में जब मशीनें नहीं थी, तो कूटते में कूटने में पति कहीं से आ गया और उसने कहा पानी लाओ, तो वो मूसल ऊपर को था, उसने ऊपर छोड़ दिया हाथ, पति ने कहा है पानी के लिए, अब मूसल को नीचे ला कर रखे आज्ञा उल्लंघन हो जाएगा, वो तो मूसल टला रहा उसी प्रकार आकाश में, जाकर पति को पानी दे दिया, फिर मूसल को पकड़ लिया, फिर कूटने में पड़ोसिन बैठी थी, उसने कहा क्या जादू है रे, ये मूसल ऊपर टंगा रहा, ये कौन सा तुमने सिद्ध किया है, मंत्र तंत्र जंत्र क्या है। उसने कहा बहन कोई जंत्र मंत्र नहीं है, ये तो पतिव्रत धर्म का कमाल है। पतिव्रत, मैं भी तो पतिव्रता हूं, तो तू भी है, तू भी कर सकती है, कोई सिद्धि नहीं, मैं अपने पति की सौगंध खा करके रही हूं, भगवान की सौगंध खा करके रही हूं। वो गई बड़ी खुश खुश अपने घर में गई और पति से कहा देखो जी आज मैं तुम्हें पतिव्रत धर्म का चमत्कार दिखाती हूं। तो पति हंसने लगा पहले कि मैं तुम्हें कब कहता हूं कि तुम दुश्चरित्रा हो, कि काहे को तुम चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हो, नहीं नहीं तुम्हें शायद कभी डाउट हो तो आज मैं तुमको दिखाई दू, प्रमाण दे दू। तो कैसे प्रमाण देगी तू हमको, पति को आश्चर्य हुआ कि क्या मुंह से बोलेगी कि लिख कर देगी, क्या प्रमाण देगी, एक आदमी अपने जीवन भर का प्रमाण किसी को कैसे देगा, जबानी जमा खर्च में देगा या कोई टेलीविजन है कि हाँ सारे जीवन का पिछला रिकॉर्ड सामने दिखाएगा, देखो मैं मूसल को ऊपर उठाऊं तो तुम कहना पानी लाओ, तो मूसल टंगा रहेगा ऊपर को तो तुम मान जाओगे ना। पति ने कहा ऐसा कमाल, अरे मैंने पतिव्रता तो बहुत सारी देखी है लेकिन ऐसा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सुना है अनुसुईया वगैरह के बड़े किस्से। अच्छा ठीक है तुम कूटो, हम मांगते हैं पानी तुमसे। अब वो बाहर चला गया, वहां से लौटा, जब देखा कि मूसल ऊपर गया, उसने कहा पानी लाओ, उसने छोड़ दिया मूसल और नाक के ऊपर होता हुआ हल्का फुल्का ऑपरेशन करता हुआ नीचे गिर गया। अब बेचारी शर्म के मारे मर गई, अब क्या मुंह दिखावे, मुंह तो काला हो गया। एक दुनियादारी की प्रतिष्ठित स्त्री के लिए जो अपने शरीर को किसी को नहीं दिए अब तक, ये उसका अनुभव कहता है, अब वो तो मर गई बेचारी, अब मैं क्या कहूं पति से, क्या कहूं किसी से, ये बात तो आउट होगी मोहल्ले में, क्या गति होगी मेरी।
अब सारा गुस्सा पड़ोसिन के ऊपर, पति तो हंस के चला गया था। अरे ये सब कहीं होता है, कहां तू सुन के आई है बेवकूफ। पति ने कोई बुरा नहीं माना कि नहीं तू और दुश्चरित्रता जरूर है, ऐसा कुछ नहीं, वो चला गया अपना हंस करके। लेकिन उसको बड़ा बुरा लगा, पड़ोसिन के पास भी। उन्होंने कहा क्यों री, तूने मेरी आज नाक कटा ली, ये क्या किया मैंने बहन, तूने ऐसा कहा मैंने वैसा किया तो ऐसा हो गया। तो हो गया होगा, मैं क्या जानू तेरी बात, मैं तो अपनी बात जानती हूँ। ना ना तूने और कोई चमत्कार है, तूने और कोई सिद्धि कर रखी है और हमको बेवकूफ बना दिया तूने। वो नहीं समझ सकी तो उसने कहा अगर मैं ये कहूं कि तू पतिव्रता नहीं है तो मेरे सर के बाल नहीं रहेंगे, क्योंकि पतिव्रता शब्द का अर्थ वो पड़ोसिन इतने जानती थी खाली कि शरीर का मिलन किसी और पुरुष से ना हो, वो पतिव्रता। इसके आगे और कोई परिभाषा का उसको पता ही नहीं था, लेकिन ये तो पतिव्रता की परिभाषा नहीं। पतिव्रत हो, मातृव्रत हो, गुरु व्रत हो, भगवत व्रत हो, उसका अर्थ तो ये है कि मन से भी उसके विपरीत कभी कुछ ना सोचे हो। मन से, शरीर से नहीं, उसके विपरीत न सोचे हो। अगर थाली में खाना रख करके वो पाखाना डाल दे पति और हंसने लगे तो स्त्री हंसती हुई खा जाए, हाय हिम्मत नहीं है तो तुम पतिव्रता नहीं हो सकती। सपना मत देखो इसका। कोई भी व्रत करने में मन का संयोग है, शरीर का नहीं। और जो स्त्री इतनी तपश्चर्या कर ले गई हो कि कभी पति के खिलाफ कुछ सोचे ही नहीं, पति ने डांटा स्वीकार, प्यार किया स्वीकार, जो कुछ दिया सब स्वीकार, कभी किसी में एतराज नहीं। दिन में 10 बार स्त्री पति से लड़े और पतिव्रताओं के अग्रणी होने का दावा करे, एक ऐसी पतिव्रता समझ में उसके फिर आ गया कि हाँ लड़ती तो मैं बहुत हूं, हमेशा लड़ती हूँ, वो एक कहता है मैं दो कहती हूँ, तो तुम कैसी पतिव्रता हो। तो पतिव्रत धर्म तो भगवत व्रत के समान है, जैसे भक्त भगवान की इच्छा में इच्छा रखता है, कभी विपरीत चिंतन नहीं करता, जैसे शिष्य गुरु की इच्छा में इच्छा रखता है, इतना कड़ा व्रत है व्रत वाला। तो चाहे माँ का व्रत हो, चाहे बाप का हो, चाहे पति का हो, चाहे बीवी का हो, कोई व्रत ले लो, व्रत का अर्थ यही है। और जब व्रत का अर्थ सही नहीं समझोगे तो फूल का उल्टा फल मिलेगा तुमको, और दोष दोगे व्रत को। मंदिर में खड़े होकर कहोगे तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, शब्द मुंह से ये बोलोगे, और ध्यान रहेगा जूते में, नया जूता खरीदा है बाहर रखा है, तो एक बार तुम्हें वो माता कहोगे फिर जूते की ओर देख लोगे, तो जूता माता हुआ कि भगवान हुआ।